स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है, मैं बात करने वाली हूँ SSC के बारे में। गाइस देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने SSC के नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर जो स्टूडेंट वीडियो नहीं देखे हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। साथ ही मैंने उसमें पूरी चीज़ें डिस्कस की है, कौन एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और कितना फीस रहेगा, क्या एज लिमिट है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। पर इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, वो करने वाले हैं सिलेबस। सिलेबस क्या रहेगा, साथ ही साथ हम लोग सिलेबस को किस तरीके से कवर करें, हमें क्या चीज़ पहले पढ़नी चाहिए, और साथ में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कि हमारे पास ओनली ऑन 3 मंथ हैं। 3 मंथ के अंदर हम लोग किस तरीके से कवर करें अपने सिलेबस को, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और गाइस, आप लोग जो है, अगर इससे रिलेवेंट और भी वीडियो चाहते हैं, जैसे देखिए मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूं, अगर आप लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम डे बाय डे किस तरीके से टारगेट बनाएं कि हम पूरे अपने SSC के एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएं, क्योंकि गाइस बिना टारगेट के आप लोग कुछ नहीं कर सकते। आपके पास ओनली ऑन 3 मंथ हैं और 3 मंथ में आप लोग दिन रात मेहनत करेंगे, वो भी गलत डायरेक्शन में, तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको डायरेक्शन सही चाहिए और ये बात आप लोग जानते हैं, भले ही आप लोग कितना भी हार्ड वर्क कर लें, जब तक आपकी डायरेक्शन सही नहीं है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। आपका डायरेक्शन के साथ साथ आपका हार्ड वर्क, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं। इसलिए गाइस, अगर आप लोग इससे रिलेवेंट वीडियोस चाहते हैं या फिर इससे रिलेवेंट कोई भी सजेशन या फिर कोई भी अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इससे रिलेवेंट काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस बता दूंगी, साथ में आप लोगों को ऐसी ही अपडेट बता दूंगी किस तरीके से आप लोग टारगेट बनाएं, किस तरीके से तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें, ये सारी चीज़ें हम लोग आपको बता देंगे। आप बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कितने सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर एग्री है। कैसे अगर देखिए ज़्यादा स्टूडेंट्स का कमेंट नहीं आता, तो मैं मानूं कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप कमेंट जरूर करना, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए यहां ऐसी ही और भी डेली टारगेट बेस यहां पर वीडियो लेकर आऊंगी, जिससे कि आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम लोग अभी की वैकेंसी को स्टार्ट कर लेते हैं, साथ में हम लोग इसका जो सिलेबस है उसका PDF ओपन कर लेंगे। तो देख सकते हैं गाइस, अगर आप लोग इस PDF को चाहते हैं, ये पूरा सिलेबस दिया गया है। तो गाइस, इस चार्ट के बारे में मैंने जो है लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, बट इसके बारे में मैं यहाँ पर भी बताना चाहूँगी। देखिए गाइस, यहाँ 2 एग्ज़ाम होते हैं, ये बात तो पता है। 2 एग्ज़ाम के साथ साथ पहला जो एग्ज़ाम होता है आपका CBT एग्ज़ाम होता है। CBT एग्ज़ाम का यहाँ पर सिलेबस जो रहता है, वह मैं आपको बताने वाली हूँ, बट यहाँ मेनली सब्जेक्ट जान लीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें, तो जो आप लोगों का रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, यहाँ रीजनिंग रहता है और आपका जनरल अवेयरनेस, ये आप लोगों का रीजनिंग 50 नंबर का आता है, 50 नंबर का आता है गाइस यहाँ जनरल अवेयरनेस। दूसरा आप लोग का 100 नंबर का जो होता है, वो होता है टेक्निकल पार्ट। अगर आप यहाँ पर सिविल से हैं, तो सिविल का टेक्निकल पार्ट होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं, तो इलेक्ट्रिकल का टेक्निकल पार्ट होगा। मैकेनिकल से हैं, तो मैकेनिकल का। टोटल यहाँ पर जो नंबर रहता है 200 मार्क्स का रहता है, और कितने टाइम में करना होता है, ये आप लोगों को आप 2 घंटे में ही कवर करना होगा। ओके, अब गाइस यहाँ सबसे मेन बात आती है कि आप इसको कवर कैसे करेंगे, ये भी है। अब जो सेकेंड आप लोग का एग्जाम रहता है, सेकेंड एग्जाम आपका रहता है रिटेन एग्जाम, उसमें आप लोगों को रिटेन CBT नहीं कराया जाता, ये ओनली ऑन टोटली फुल ऑफ टोटली यहाँ पर आपका टेक्निकल एग्जाम रहेगा, नॉन टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं आएगा, 300 मार्क्स का रहेगा। अब गाइस ये भी 2 घंटे का रहेगा। अब यहाँ आप लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो देख लीजिए। सबसे पहले मैं थोड़ा स्क्रॉल करूंगी, तो यहाँ आप लोग सिलेबस देख पाएंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले जो आप लोगों को दिया गया है, इसका ये जो है आप लोगों का रीजनिंग का सिलेबस, तो गाइस ये सबसे मेन है। अगर आप लोग अपना टारगेट बना रहे हैं, तो टारगेट बनाने से पहले जो भी आप लोगों की ब्रांच है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इसका आप लोग PDF जो है, इससे क्या करेंगे, अपना प्रिंट निकलवा लेंगे जो भी आपकी ब्रांच है उसका, और आप लोग अपने सामने जहाँ भी पढ़ते हैं, टेबल पे, मेज पे, जो भी यहाँ भी आप लोग पढ़ते हैं अपना पढ़ने का, उसके सामने लगा लीजिए। जब भी उससे फ़ायदा ये होगा गाइस, जब भी आप लोग जो भी सब्जेक्ट उठाएंगे, तो आप लोगों को सामने ही आपका सिलेबस देखने के लिए मिल जाएगा, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सामने ही मिल जाएगा क्या क्या टॉपिक है। जैसे हमने उठाया यहाँ पर रीजनिंग, तो रीजनिंग में गाइस आपकी नॉन टेक्निकल पूरी रीजनिंग रहेगी, और आप लोग को सबसे मेन बात यह है, देखिए गाइस ये रीजनिंग एक ऐसा पार्ट होता है, अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, जैसे 50 नंबर का है यहाँ पर रीजनिंग, तो गाइस आप लोगों को यहाँ कोशिश ये करनी है कि 45 मार्क्स तक आप लोग गेन कर सके, ठीक है। आपको वैसे देखिए यहाँ आप लोग कर सकते हैं, बट
कोशिश यही करना है कि आप लोग 45 मार्क्स यहाँ रीजनिंग से गेन कर सकें। इसी तरीके से यहाँ बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। अब देखिए हमारे जो स्टूडेंट जनरल अवेयरनेस जो पुराने स्टूडेंट हो गए तो वो तो ऑलमोस्ट इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मतलब जानते ही होंगे, बट बात करेंगे हम न्यू स्टूडेंट की, क्योंकि ऑलमोस्ट पुराने स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट वो एक्सपीरियंस है, उनको इस चीज़ का पता रहता है, बट हमारे जो फ्रेशर्स होते हैं या वो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको नहीं पता रहता है कि किस तरीके से देना है। तो यहाँ सबसे फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वालों के लिए बता दें गाइस, ये जनरल अवेयरनेस या जीके की बात करें तो उनके बारे में हम लोग यही कहेंगे, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप जितना इसको कवर करने की कोशिश करेंगे उतना इसके डीप में घुसेंगे ये उतना ही आप लोगों को घेरता चला जाएगा, मतलब इतना आप लोग इसको कभी खत्म नहीं कर सकते। जीके एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है, बट आप लोगों को क्या करना, अब तैयारी तो आप लोगों को करनी है, आप छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ से भी मार्क्स गेन करने हैं। आपको मार्क्स गेन करने हैं तो देखिए कुछ मेन टॉपिक्स दिए गए हैं, उन टॉपिक्स को सबसे पहले तैयार कीजिएगा। आप देखिए सबसे पहला टॉपिक, पहले टॉपिक्स आते हैं, देखिए जीके में इवेंट होते हैं, इवेंट्स जो है आप लोगों कोई भी मैगजीन खरीद लेंगे या कोई भी बुक वगैरह होंगे उसमें दिए गए होंगे। अब यहाँ इवेंट हो गया। दूसरा देखिए इसी तरीके से आप लोगों के जो टॉपिक दिए गए, आप लोग करंट अफेयर डेली लेते रहिए, करंट अफेयर से प्रॉफिट ये होगा आप लोग को डेली की खबरें मिलती रहेंगी, एवरीडे आप लोगों को जो भी चल रहा है अभी आप लोगों के आसपास में वो न्यूज़ मिलती रहेगी अपडेट। दूसरा आता है आप लोगों का देखिए जो आप लोगों का कंट्री, जैसे कंट्री से रिलेवेंट आप लोगों की न्यूज़ होती है ये भी आप लोग लेते रहेंगे करंट अफेयर में। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, अभी रिसेंटली में देखिए कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कंट्री में, अपनी कंट्री में कोरोना वगैरह आया था, तो ये सभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। क्या होता है कि जो मेन हाईलाइट पॉइंट होते हैं जैसे साइंटिफिक रिसर्च, ओके, जनरल पॉलिटी, तो ये आप लोगों के कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आप लोगों को इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, अब गाइस आप लोगों को किस तरीके से करना है, सबसे पहले आप लोगों को इन पॉइंट्स पर जो जो मेन पॉइंट्स दिए गए हैं उन पॉइंट्स को उठाना है, उसके बाद आप लोगों को डीप में घुसना। एकदम से आप लोग डीप में घुसेंगे तो नहीं कर पाएंगे, पहले आप एक पॉइंट को पकड़िए। जैसे हम लोगों ने, मैं मान लेती हूँ यहाँ पर मैंने इवेंट्स वाला ये टॉपिक पकड़ लिया, ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि हम वीडियो से क्लियर करें, तो वीडियो से क्लियर नहीं हो पाएगा गाइस, वीडियो से अगर आप क्लियर करेंगे ये जीएस जीके को तो आपको एक एक साल लग जाएगा, कभी कभी 6 महीने भी लग जाएगा कर यहाँ। अगर आपको जल्दी से जल्दी कवर करना है तो आप लोग बुक या मैगजीन का उपयोग करें, आप लोग अपने किसी सीनियर से पूछ सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आप लोगों को खुद बता दूंगी कौन सा मैगजीन सही रहेगा, या फिर मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दूंगी। बट गाइस मैं आप लोगों को यहाँ इंस्टाग्राम वगैरह पर प्रोवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि वो एक से मैं खुद आप लोगों के लिए पीडीएफ क्रिएट करूंगी, अगर मैं आप लोगों को डायरेक्ट टेलीग्राम पर करूंगी तो मेरे पे कॉपीराइट आ जाएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट, आप लोग क्या करना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आप लोगों को डायरेक्ट पर्सनली प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर आप लोगों का नॉन टेक्निकल और टेक्निकल। अब टेक्निकल किस तरीके से, टेक्निकल भी 100 मार्क्स का आता है, तो गाइस टेक्निकल में ज़्यादा कुछ नहीं आता। जैसे मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिकल पकड़ लिया, इलेक्ट्रिकल में देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, BEE आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, BEE हो गया, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आप लोग के BEE के बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, मैग्नेटिक सर्किट हो गया, AC फंडामेंटल हो गया, मेजरमेंट हो गया, ये गाइस इलेक्ट्रिकल मशीन। तो आप लोगों को क्या करना है इसका, देखिए यहाँ थोड़ा अच्छे से जो जो टॉपिक दिया गया उसी को कवर करना है, टॉपिक से हटके बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप टॉपिक से बिल्कुल हटे, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ सिलेबस का ये निकलवा लेना आप लोग PDF, उसके बाद आप सामने अपने लगा लेना टेबल वगैरह के सामने, ठीक है, जिससे आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि आपको ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इसी पे फोकस रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आप लोग जो है सेकंड टर्म आपका एग्जाम होगा तो उसके लिए गाइस टाइम बहुत कम मिलता है, क्योंकि जब फर्स्ट एग्जाम हो जाता है नॉन टेक्निकल वाला तो थोड़ा टाइम कम मिलता है, इसीलिए कोशिश करिए कि आप लोग जब नॉन टेक्निकल यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना कि नॉन टेक्निकल पर फोकस कर रहे हैं तो बिल्कुल टेक्निकल छोड़ ही दें, तो टेक्निकल को छोड़ना नहीं है, साथ में लेके चलना है। अगर आप यहाँ देखिए मान लीजिए आप लोग अगर करंट अफेयर की क्लास ले रहे हैं तो आपका करंट अफेयर यहाँ पर थोड़ा तैयार रहेगा, रिकॉर्डेड क्लास ले लीजिए,
लीजिए. ओके, अगर आप लोग लाइव ले रहे हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम जाता है, और आप लोग जब रिकॉर्डेड लेंगे तो 2x मोड पर कर सकते हैं, 2x मोड पर करके देख सकते हैं. दूसरा प्रॉफिट ये होता है गाइस, आप लोग अगर बुक से पढ़ते हैं तो काफ़ी प्रॉफिट रहेगा. बुक वगैरह में क्या होता है, आप लोग ज़्यादा कवर कर सकते हैं थोड़े टाइम में, वीडियोज़ में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है. अगर GS वगैरह की बात करें तो आप कोशिश करिए कि किसी के नोट्स प्रोवाइड हो जाएँ, या फिर अगर आपके पास बुक है, देखिए बुक से आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करना कि किसी के नोट्स मिल जाएं. अगर नहीं है तो गाइस मैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए रेडी हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा. मैं कोशिश करूँगी आप लोग को अपने सीनियर से लेने की कोशिश करूँगी, कि मेरे कोई भी सीनियर होते हैं मैं उनसे कोशिश करती हूँ कि कोई भी नोट्स वगैरह देते हैं तो मैं आपको हर तरीके का नोट्स प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगी. दूसरा बात आता है कि आप लोग टेक्निकल कैसे करेंगे, तो टेक्निकल के लिए गाइस आप लोग डे बाई डे आप लोग अपना एक जो है रूटीन बना लें कि इतने टाइम में हमें अपना टेक्निकल लेके चलना है. और टेक्निकल को देखिए ऐसा नहीं करना, क्योंकि सेकंड एग्जाम आप लोगों का CBT नहीं होगा, रिटेन एग्जाम होगा, तो आप लोगों को रिटेन एग्जाम की तरीके से प्रिपरेशन करनी है. और आप लोगों को रिटेन एग्जाम कैसे करना है वो बात की बात है, क्योंकि आप लोग को पहले प्री निकालना होगा, पहले फर्स्ट पेपर निकलेगा तभी आप लोग सेकंड के लिए एलिजिबल रहेंगे. तो इसीलिए आप लोग सेकंड पेपर अच्छे से दीजिए. और आप लोगों को नहीं पता है कि आप नॉन टेक्निकल कहाँ से करें कहाँ से नहीं करें, क्योंकि गाइस अब मेन बात आती है कि मैं खुद भी नॉन टेक्निकल यहाँ स्टडी करती हूँ, तो मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगी कि नहीं मैं नहीं करती, तो मैं भी नॉन टेक्निकल पढ़ती हूँ. मैं कहाँ से पढ़ती हूँ वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि मेरा भी बहुत कमज़ोर था नॉन टेक्निकल, मैंने भी थोड़ा मतलब कर लिया है. अब नॉन टेक्निकल हम ये नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि स्ट्रांग पार्ट किसी का भी नहीं होता है. GK कभी भी स्ट्रांग किसी का नहीं हो सकता, GK एक इतना बड़ा पार्ट है कि हर चीज़ एक इंसान को कभी नहीं पता रहती है. तो गाइस आप भी अपना ये चीज़ अपना कंटिन्यू करिए, बहुत टाइम है, बस हॉपलेस नहीं होना है, मतलब अपना पेशेंस बनाए रखना है, अपने आराम से करते रहिए. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना गाइस.